नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोचाधामन प्रखंड में किया गया लोन संबंधित प्रोग्राम का आयोजन, वहीं मौजूद सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और स्थानीय विधायक इजहार असफी सब मौजूद रहे। बता दें कि आपको एक तरफ सरकार गरीबों के हित के लिए रोजगार बढ़ावा व्यवसाय को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे में लोन सेवा की जानकारी देते हुए बड़ी बैठक का आयोजन किया गया प्रखंड मुख्यालय में। वहीं कई बैंक के उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे। उनका कहना है कि बिजनेस लोन, किसी भी तरह के प्रकार का लोन लेना चाहे तो वह ले सकता है और इसकी जानकारी सभी बैंक के CSP एवं बैंक कर्मियों को उपलब्ध है। जानकारियों और आम जनों तक सरकार के लाभ की फैकल्टी पहुंचाना सौभाग्य है। किशनगंज बिहार से संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। सर, अभी जो व्यवसाय को लेकर के लोगों को जागरूक की बात कही गई है, इसमें कितना परसेंट लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? और लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो है ना बैंक कमीशन खोरी करता है। अब देखिए, वो कमीशन खोरी का रिपोर्ट हम लोगों को पता चलना जी शुरू हुआ था जी, उस पर हम लोग लगाम लगाने की जी, लगभग सभी विभाग में तो लगाम लग गया है जी। बैंक वाला भी उस पर कंट्रोल काबू पाए, वरना उन लोगों का भी खैरियत नहीं। कोचाधामन और किशनगंज से के दलाली और पैसा होगा ही बहुत मेहनत से बंद हुआ है। बैंक वाला भी अब इधर उधर नहीं करेगा, हमारे सारे सज्जन को सारे भाई को सहूलियत के साथ लोन देने का काम करेगा। सर, आप अपने अवाम को क्या कहना चाहेंगे आपके कोचाधामन विधानसभा में? बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि व्यवसाय को लेकर के हमको कोई ऐसा सुविधा मिल जाए कि हम अपना व्यवसाय बढ़ा सकें या स्टार्ट कर सकें। कोई भी व्यवसाय को चालू करने के लिए रकम चाहिए, पूंजी चाहिए जी, पैसा चाहिए। वो हमारे इलाके के बहुत लोगों के पास नहीं है, जिसके चलते ये सरकार जो है ये लोन देने का काम किया, उसको हम लोग ले नहीं रहे हैं। और उसको आसान बनाने के लिए आज हम लोग एक मीटिंग रखे थे, जिसमें सांसद महोदय भी आए थे और उसमें सारा डायरेक्शन मैनेजर लोगों को दिया गया कि हमारे लोगों को कहीं पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पैसा हमारे अकाउंट्स नहीं खुल पाने की वजह से हमारे अकाउंट में नहीं आता हमारे गरीब भाई बहनों के यहाँ, तो वो तो हम लोग का नुकसान है ना। तो उसी के लिए हम लोग चाहे कि ब्लॉक लेवल एक मीटिंग हो। हमारे MLA साहब भी मौजूद थे, हमारे प्रमुख साहब और मुखिया गण भी और जिला परिषद गण भी थे और आवाम भी थी। तो ये हमने ये भी डायरेक्शन दिया है कि जो CSP सेंटर्स उसको जिम्मेदारी दी जाए कि अकाउंट खोला जाए और उसके बाद ऋण के बारे में बताया जाए। अगर हमारा युवा, हमारा आदमी कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो फ़ायदा हम लोग को उठाना चाहिए। घर बनाने तक के लिए लोन मिलता है, जिस तरह हम लोग का नौजवान सब गाड़ी निकालता है उसमें लोन पे निकालता है ना जी, घर बनाने के लिए, ट्रैक्टर के लिए, दुकान खोलने के लिए। तो अगर हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे तो हमारा इलाका खुशहाल होगा, हमारे नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जाएंगे हम बाहर करने के लिए? सर, एक अब मैं चाहूँगा कि MLA साहब से भी आप कुछ पूछें। सर, एक सवाल है मेरा ये कि अभी महागठबंधन में सर घमासान चल रहा है टिकट को लेकर के, कि किशनगंज में जो है प्रजंड सांसद को नहीं देकर के JDU को दिया जाए, ये जो है वो तो कांग्रेस तय करेगी ना, ये कांग्रेस का सीन है ना। सर, इसमें जैसे महागठबंधन इंडिया गठबंधन है सर, ऐसे घमासान से तो जनता यही समझ रही है ना कि चुनाव किस तरफ जाए। तो आप लोग जो समझाइएगा वो समझेगी, लेकिन दुनिया भी जानती है कि क्या होता है। अब कोई कुछ बोले तो उसका तो भाई जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इसका सीट हमेशा से रहा है और कांग्रेस ही लड़ेगी इंशाल्लाह इसमें। ब्लॉक परिश्रम कोचाधामन में किसी का प्रोग्राम था और व्यवसाय को लेकर के क्या था? देखिए, हमारे ज़िला में बाकी हिंदुस्तान की तरह बेरोज़गारी यहाँ भी बहुत है और अफसोस की बात यह है कि हमारे युवा जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके काम कर रहे हैं। हमारा मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं यहीं रह के कोई ऐसा काम करें जो परिवार को इज्जत से पा सके। अब बैंक है, बैंक लोन देती है, बड़ी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो हमें जानकारी नहीं है। वही जानकारी के लिए सभी बैंक वालों को यहाँ पे बुलवाया गया था। किशनगंज ज़िला के जो सबसे बड़े अफसर हैं बैंक को देखते हैं, उनको भी बुलाया गया था और उनसे लोगों को जानकारी दी गई थी
कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें 50% तक सब्सिडी, मतलब 10 लाख लीजिए, 10 लाख का बिजनेस कीजिए, 5 लाख आपको नहीं लौटाना, और बाकी 5 लाख बगैर इंटरेस्ट का आपको जो है 84 महीने में आपको बांट के देना, 6000 करके 6 या 7 साल। उसी तरह बहुत सारे स्कीम हैं, स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रुप्स के लिए है। हमारे कई लोगों का खाता नहीं खुला है, खाता हमें खोलना चाहिए, क्योंकि सरकारी चाहे वो स्टेट सरकार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ बिहार के साथ।